बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। क्लास 5 की साइंस है हमारे पास, लेक्चर नंबर 25, इसको डिस्कस करना हमने। यूनिट नंबर 4 है आपके पास, टॉपिक अदर लिविंग थिंग्स, और सब टॉपिक में हमने क्वेश्चन आंसर्स करने हैं। क्वेश्चन नंबर 6 से आज हमने स्टार्ट करना है अपना क्वेश्चन, इन व्हाट वेज यीस्ट इज यूज्ड। जी हाँ, यीस्ट का इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया जाता है। यीस्ट, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि यीस्ट होती क्या चीज़ है। यीस्ट खमीर को कहते हैं, ठीक है। और इसको जो है, ये अगर वैसे हम इसकी बात करें ओवरऑल इसकी प्रॉपर्टीज या जो भी इसका स्ट्रक्चर फंक्शन की, तो यीस्ट जो होते हैं यूकैरियोटिक होते हैं, सिंगल सेल होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि एक सेल वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं यीस्ट। ये क्या करते हैं, और इनको जो है ये ताल्लुक इनका फंगस के किंगडम से होता है, फंजाई के किंगडम से, ठीक है ना। जहाँ पे यीस्ट का वर्ड है आपको पता चल जाना चाहिए कि ये यीस्ट किंगडम जो है फंजाई किंगडम से बिलोंग करते हैं यीस्ट। और जो अगर हम यीस्ट की ओवरऑल बात करें, तो यीस्ट क्या है, इसको सबसे पहले इसको जो है एक साइंटिस्ट ने लेबोरेटरी में इसको इजाद किया, डिस्कवर किया था पेंसिलीन के जरिए, ठीक है। तो वो जो पहली इससे बनी थी वो थी पेंसिलीन, जो कि तकरीबन आज से 1500 यानी कि कुछ मिलियंस ऑफ ईयर अगो थी बनी थी, लेकिन इसकी जो स्पीशीज है वो तकरीबन 1500 के करीब है। अच्छा, अब यहाँ पर बात करते हैं कि इसका इस्तेमाल कहाँ पर होता है। यीस्ट इज यूज टू बेक ब्रेड एंड मेक अल्कोहलिक ड्रिंक्स। इट इज यूज टू मेक सोया सॉस, सिलेमी, ब्लैक टी एंड टू प्रिपेयर ऑलिव्स। ये आप देख सकते हैं क्या करने के लिए इस्तेमाल होती है, ब्रेड वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल होती है, अल्कोहलिक ड्रिंक्स उनको बनाने के लिए इस्तेमाल होती है, सोया सॉस और जो वैसे कह सकते हैं सिलेमी, ब्लैक टी और ऑलिव्स, इन चीज़ों को जो है बनाने के लिए किस चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है, यीस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। और यीस्ट क्या है, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। क्वेश्चन नंबर 7, हाउ डू एंटीबायोटिक्स वर्क। जी हाँ, एंटीबायोटिक्स किस तरह काम करती हैं। एंटीबायोटिक की अगर हम बात करें तो इसका जो है वर्किंग की, तो ये क्या करते हैं, दे वर्क बाय गेटिंग द गुड माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू डिस्ट्रॉय द हार्मफुल वन बिफोर दे कैन डू टू मच डैमेज। अगर हम एंटीबायोटिक्स की बात करें तो क्या करती हैं, ये अच्छे वाले जो है ऑर्गेनिज्म उनको लेकर जो डिस्ट्रॉय कर देती हैं, फिर जो नुकसानदेह ऑर्गेनिज्म होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, ताकि वो ज़्यादा आपकी बॉडी को डैमेज ना करें। और अगर हम बात करें अब तक की सबसे सक्सेसफुल एंटीबायोटिक की, तो वो हमारे पास है पेंसिलीन, जो कि पेनिसिलियम नोटेटम से डिस्कवर हुई थी। इसकी डिस्कवरी की बात करें, इसने आज से तकरीबन कुछ कह रहे मिलियंस ऑफ पीपल की जान बचाई थी, काफ़ी हम कह सकते हैं लाखों लोगों की इसने जान बचाई थी, उनको मरने से बचाया था इस एंटीबायोटिक ने। तब भी एक डिजीज थी आई जिसकी वजह से लोगों की डेथ हो रही थी, तो जो भी एंटीबायोटिक पेंसिलीन ईजाद हुई तो उसने क्या था, लोगों की जान बचाई थी। ये एंटीबायोटिक्स जो होती हैं ये आप अगेंस्ट जो है डिजीजेस लड़ती हैं और आपकी बॉडी को हेल्दी बनाती हैं। 8th है हमारे पास, व्हाट आर वैक्सीन्स। वैक्सीन्स क्या होती हैं, हाउ डू दे वर्क। वैक्सीन क्या है, इनका इस्तेमाल क्या है, ये भी देखते हैं। वैक्सीन जो है असल में ये बीमारी के खिलाफ लड़ने में मदद देती हैं। समटाइम इसको जो है इंजेक्शन वगैरह के फॉर्म में भी कह लेते हैं कि वैक्सीनेशन करना, तो ये सारा इसी में आ जाता है। वैक्सीन्स हेल्प टू स्टॉप डिजीजेस बिकमिंग इन्फेक्शियस, यानी वैक्सीन क्या करती हैं, बीमारी को ज़्यादा जो है मुंतदी या वबाई होने से बचाती हैं, ताकि वो ज़्यादा आपकी बॉडी को हार्म ना करें। वैक्सीन आर मेड फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म से मिलकर बनी होती हैं, डेट आर द कॉज ऑफ इन्फेक्शियस डिजीजेस। दे वर्क बाय गिविंग द बॉडी अ स्मॉल अमाउंट ऑफ डैट डिजीज, सो डैट द बॉडी कैन प्रोड्यूस एंटीबायोटिक्स डैट कैन फाइट द वायरस इन फ्यूचर। अगर हम वैक्सीन की ओवरऑल बात करें, तो बेटा ये एक ऐसी चीज़ होती है जो बीमारी को जो है ज़्यादा बढ़ने से आपको बचाती है, यानी कि वो ज़्यादा अगर इन्फेक्शियस हो जाएगी, वबाई हो जाएगी, तो आपकी बॉडी को हार्म करेगी, नुकसान देगी। और इनका अगर हम करें तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, छोटे छोटे जो होते हैं ना माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके, तो उससे मिलकर बनी होती हैं, और जो है ये बीमारी को जो है ज़्यादा इन्फेक्शियस होने से बचा देती हैं। इसका तरीकाकार ये होता है कि आपकी बॉडी को पहले थोड़ी सी उसी डिजीज़ की मिकदार दी जाती है, जिसका मतलब आपको जो है उसी का जो है थोड़ा सा एक कह सकते हैं हिस्सा दिया जाता है, फिर वो क्या करता है, जाके एंटीबायोटिक प्रोड्यूस करना शुरू करता है। जैसे जैसे एंटीबायोटिक प्रोड्यूस होती हैं, तो आपका जो बॉडी है, आपकी जिस्म है, वो उसके वायरस के या जो भी है बैक्टीरिया उसके खिलाफ लड़ना शुरू कर देता है फ्यूचर में, ताकि आपको जो है उसका कोई नुकसान ना हो। तो इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट वो क्लियर हो गया। अब आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, ये जैसे कि इन्फ्लुएंजा वैक्सीन है, तो ये इस तरह से जो है पेशेंट को इसका यूज करवाया जाता है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।